शालीमार जून में 17 गैर कानूनी शादी हॉल्स को ताले, शीश महल शादी हॉल, अल खुरम शादी हॉल और दीगर शामिल। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और एंटी करप्शन ने मुश्तरका ऑपरेशन किया है। मजीद तफसीला जानेंगे, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान मलिक और सबीउल हसन। सबसे पहले बात करेंगे इमरान मलिक से। इमरान, आगाह कीजिएगा, कौन कौन से शादी हॉल सील कर दिए गए हैं अब तक? इमरान मलिक से भी राब्ता करने की कोशिश करेंगे, अहम मामले के हवाले से आपको आगाह करेंगे। बारात आएगी और ना बजेगा बैंड बाजा। शालीमार जून में 17 गैर कानूनी शादी हॉल्स को ताले हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ सबीउल हसन भी मौजूद हैं। सबीउल हसन, आगाह कीजिएगा, मामला क्या है? इसी तरह है कि यहाँ पर 17 गैर कानूनी जो तामीरात के खिलाफ यहाँ पर ऑपरेशन किया गया था, उस ऑपरेशन में जो है 17 शादी हॉल को सील कर दिया गया। महकमा एंटी करप्शन और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जानिब से यह मुश्तरका ऑपरेशन किया गया है, जिसमें 17 शादी हॉल को सील किया गया है। मेरे बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं कि मिलाप शादी हॉल है, इसको सील किया गया। इसी तरह यहाँ पर लाइन में 4 से 5 शादी हॉल, इसके बिल्कुल पीछे जो है बाकी शादी हॉल है, जिनको सील किया गया मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जानिब से। और कहा यह गया है कि इन शादी हॉल के नक्शा जात मौजूद नहीं है। यहाँ पर जब हमारी इनसे बात हुई है, इनके मालकान से, तो उनका कहना यह है कि जी जो पुराने ज़माने में जब इनकी तामीरात शुरू हुई थी तो हमें किसी ने रोका नहीं था, उसके बाद अब जब ये शादी हॉल अपने रूज को पहुँच गया, यहाँ पर रोज़गार लोगों का शुरू हो गया है, तो उसके बाद आकर हमें यहाँ पर एकदम नोटिस थमा दिया गया है और उसके बाद इसको आके सील कर दिया गया है। और उनका ना ये भी है इसके साथ साथ कि अगर हमें ये बरवक्त बताया जाता कि इसका नक्शा अप्रूव नहीं हुआ हुआ, तो हम नक्शा बकायदा तौर पे इसका जमा भी करवाते और अप्रूव भी कराते। और उनका ये अब भी कहना है कि अगर अभी भी हमें ये ऑफर दी जाए और हम अभी भी इसका नक्शा अप्रूव करवाने के लिए जो इनके ऊपर पेनल्टीज चार्जेस हैं वो भी अदा करने को तैयार है, लेकिन हमारा रोजगार हमसे ना छीना जाए। आपको बिल्कुल ये कैमरा मैन दिखा रहा होगा यहाँ पर मेरा बाबर, कि इसको ताला लगा के सील कर दिया गया और सील बाय मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जो रसीद है, जो उसके ऊपर नोटिस है, वो यहाँ पर चिस्पा कर दिया गया और यहाँ पर दिया गया कि जी ये शादी हॉल किसी शामिल नहीं रहे। अब बारात आएगी, ना ही बैंड बजा बजेगा। और इसके अमले को भी यहाँ पर बता दिया गया कि अगर इसको डीसेल करने की कोशिश की गई तो इस पर कानूनन जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो जौक ये 17 शादी हॉल हैं टोटल, जो कि इस वक्त नादिया घी मिल के करीब में इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान मिंट फैक्ट्री के पास, वहाँ के ये शादी हॉल हैं जिनको 17 शादी हॉलों को गैर कानूनी तौर पर जो है कहा यह जाता है कि जिसके नक्शा जात मौजूद नहीं है, इसलिए इसको सील किया जा रहा है। ये तमाम सूरत हाल है जौक यहाँ पर। ठीक है, हमारे साथ ही सभी आप मौजूद रहेगा, इमरान मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। इमरान, कार्रवाई की क्या तफसीलात हैं? और जिस तरह सबीउल हसन बता रहे हैं कि शादी हॉल के जो मालिकान हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि उनको कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। जोक ऐसी बात जो है वो महकमा एंटी करप्शन में चूंकि इस बात पर मामला उठाया गया और जो इस वक्त शालीमार जून का केस भी चल रहा है, 12 अफसरान के खिलाफ जो है वो तहकीकात भी हो रही है और यही तय पाया गया था कि महकमा एंटी करप्शन जो है वो इन जगहों की निशानदेही करेगा, जिस पर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के जोनल प्लानिंग अफसरान जो है वो उनको फौरी तौर पर सील करेंगे और या तो उनको कन्वर्जन फीस लगाकर दोबारा खोल दिया जाएगा या तो उनसे दोबारा नक्शे वगैरह बनवाए जाएंगे। ये बहरहाल ये कबल बात है कि उनकी कन्वर्जन फीस लगती है नहीं लगती। इस वक्त जो है वो शालीमार जून राजपा रोड नादिया घी मिल पे जो अंदर 17 कमर्शियल शादी हॉल बनाए गए थे 2005 से 2008 के दरमियान, इनको सील कर दिया गया है। कार्रवाई जो है वो अजीज भट्टी जून ने की है क्योंकि शालीमार जून का जो की हदूद है और अजीज भट्टी जून से उन्होंने कार्रवाई करवाई है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने शहर के 9 जोनों में भी नक्शा की तमीर होने वाले बगैर नक्शे की तमीर होने वाली इमारतों के खिलाफ सर्वे के खिलाफ इसको तमाम तर अमला जो है वो मुतरिक है। ये जो शादी हॉल सील हुए हैं इनमें शीश महल शादी हॉल है, अल खुरम शादी हॉल है, बाबल मैरी शादी हॉल है, फाइन पैलेस शादी हॉल है, हम सफर शादी हॉल है। ठीक है, बारात आएगी और ना बजेगा बैंड बाजा। शालीमार जून में 17 गैर कानूनी शादी हॉल्स को ताले, शीश महल शादी हॉल, अल खुरम शादी हॉल और दीगर शामिल हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद।